माई नेम इज शाइनी नारक एंड आई एम वीलॉगिंग जिंदगी अगेन। मैं आज जयपुर में हूँ और मैं हूँ मिस्टर आरती शर्मा के साथ, है ना? बिल्कुल सही, यू आर राइट, बिल्कुल सही। अच्छा पहले तो मुझे बताओ आपको इंग्लिश कैसे आती है इतनी अच्छी? ठीक है मैडम, मैं फर्स्ट ईयर पास हूँ, साइंस बायोलॉजी मेरे पास। अरे वाह। लेकिन आगे पढ़ने के लिए क्या है, मेरे पिताजी के पास में फाइनेंशियली कमजोरी थी, हम पांच भाई बहन थे। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा इसलिए। हम पांच भाई बहन थे, हमारे फादर की थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर तक करके छोड़ दिया, फिर पापा की जॉब को पकड़ ली। अच्छा तो आपके पापा क्या काम करते थे? मेरे पापा एजुकेशन में टीचर थे। एजुकेशन टीचर, ओके। और अभी आप क्या काम कर रहे हैं? मैं इस टाइम क्या है कि यहाँ पे जलेबी चौक के अंदर, यहाँ पे मेरे को बैठ के 28 ईयर्स हो गए जलेबी शॉप में, 28 ईयर्स, दैट्स ऑल। और मेरे फादर को यहाँ पे बैठ के 70 ईयर्स। 70 ईयर्स, अरे बाप रे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे आसपास बहुत सारा अनाज है, जैसे आप देख सकते हो ये अलग अलग तरीके का सात दाने बेचते हैं। ये यहाँ पे सात दाने बेचते हैं, पीछे जो कबूतर दिख रहे हैं आपको उनके लिए। और यहाँ पे लोग आते हैं सुबह सुबह दाना खरीदने। कितने बजे से आते हैं? सुबह कार्तिक में तो सुबह 4 बजे आ जाते हैं। अच्छा। और ऑर्डिनरी दिनों में 7 बजे। अच्छा। और कितने बजे तक आप यहाँ बैठे होते हैं? हम यहाँ पे 13 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी। 13 घंटे, कितनी देर? अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपकी वीडियो शुरू करने से पहले पूछिए, आप अपने ड्रीम के बारे में हमें बताएं। मेरा ड्रीम ये है कि मेरा जो बच्चा है, उसकी 94% से जरूरी है 9th के अंदर, मैं चाहता हूँ कि उसको एक ओहदा या मुकाम मिल जाए, वो ड्रीम है। क्योंकि मेरी तो एज पूरी हो गई, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को और बच्ची को जो मेरे को हासिल नहीं हो सका वो उनको मिले। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि वो हो पाएगा? मेरे बच्चे पे अगर उसके अंदर टैलेंट हुआ तो उसको ज़रूर मिलेगा मौका। आप क्या बनाना चाहते हैं? वो उसके ऊपर छोड़ रखता है, मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा है। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरा कोई वोटेशन नहीं है उसके ऊपर। चलो मान लो कुछ ऐसा करना चाहिए, एक बार एजुकेशन पूरी कर ले उसके बाद तो कुछ भी बन, कुछ भी बन रहा है। तो मैंने उसको कह रखा है कि तेरे इस टाइम के 8 साल मेरे को दे दे, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जो हम सोचते हैं कि छोटे लोग हैं या कुछ ऐसा है, उनके भी सपने उतने ही हैं, उतने ही बड़े हैं, और उनके बच्चे जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैंने आपसे बात करी, और थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।